कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम् प्रभाते करदर्शनम्। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। और जैसा कि अभी समय हो चुका है 10 और आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट ठीक है, रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे सोने में, बिकॉज कल एक इंट्रो जो मैंने डाला था आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। एंड अब धीरे धीरे मेरे को ब्लॉग बनाते बनाते मतलब एक अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि मैं कम से कम शेड्यूल मेंटेन कर पाऊँगा, बिकॉज मुझे मीन्स अगर आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और सारी चीज़ें हैं तो मुझे भी मोटिवेटेड फील होगा। एंड ये अच्छी चीज़ होगी कि आप लोगों की वजह से मैं अपना शेड्यूल मेंटेन कर पाऊँगा। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और मैं अब आऊँगा एंड देन फिर पूजा करूँगा एंड फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो टाइम हो चुका है 11:30 और हम रेडी हो चुके हैं नहा धो करके पूजा पाठ करके, और फाइनली अभी नाश्ता करने का टाइम है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं नाश्ते में अभी क्या खा रहा हूँ। तो अभी मैं नाश्ते में खा रहा हूँ सैंडविच है एंड देन चाय है। जनरली ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नाश्ते में सैंडविचेस वगैरह ही खाता हूँ, बट हाँ मीन्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सैंडविचेस खा लेना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें आपको बतानी है। जो पहले जितना भी अभी तक आपने वीडियो देखा है उस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो मैं ब्लॉग बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो भी अभी तक आपने देखा ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट है। मैं इसी तरीके से सुबह उठता हूँ एंड उसके बाद सारी चीज़ें करता हूँ और उसके बाद फिर नहाना और फिर पूजा करना और फिर उसके बाद नाश्ता एंड देन दिन को कहीं ना कहीं शुरू करने की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली ये वाला पार्ट जो है कि ये सब चीजें भी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ। पर्पस ये है, जैसा आपको मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि कहीं ना कहीं आप इस चीज से मोटिवेटेड या ऐसा फील करोगे कि एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है हमें इस ब्लॉग के थ्रू। तो मेरा हमेशा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपसे इसी तरीके से कोऑर्डिनेट करूं कि आप लोग कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस से या मेरी ठोकरों से या मेरे कह सकते आप जितना मैंने झेला है उस चीज़ों से कुछ अगर आप नॉलेज ले पाओ, कि ऑब्वियसली सबके लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप लोगों के भी होंगे। और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बट मेरी लाइफ का जो पार्ट है, मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ें। ठीक है, तो अभी टाइम हो चुका है 1:30 इन द आफ्टरनून और थोड़ी देर के बाद मैं अपना लंच करने वाला हूँ। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये चीज़ समझाइए, क्योंकि जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स को बिकॉज सब लोग उसे इससे निकले हैं, मैं भी उसे इससे निकला हूँ, तो मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस तरीके से ट्रीट किया था उस समय और उनका समझाने का तरीका क्या था। एंड
कोशिश ये करिए कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करिए, बजाय इसके कि उनको इस चीज़ का डर है कि मम्मी को पता चलेगा तो क्या है या पापा को पता चलेगा तो क्या है, अदरवाइज वो आपसे खुल के चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे। एंड जो मैंने बताया कि वो जितने भी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं उससे वो या तो सीखते हैं या तो बर्बाद हो जाते हैं। सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमने तो सीखा है, बट अगर बर्बाद हो गए तो उनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज अभी जो रिसेंट में कुछ चीज़ें, जैसे एक बच्चा भी रिसेंट में कुछ एक गेम को लेकर के चर्चा में था, जिसमें उसने 40,000 रुपये अपने पेरेंट्स के बर्बाद कर दिए कुछ कपड़े वगैरह उसके अंदर इन गेम खरीदने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको उनसे एक मैच्योरिटी के साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना पड़ेगा, ताकि वो आपको हर चीज़ खुल के बता पाए, उनको कभी भी ये फील नहीं हो कि अब तो सब खराब ख़त्म हो चुका है। कभी भी ये चीज़ नहीं फील होना चाहिए कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब मैं क्या करूँ, तो लास्ट ऑप्शन मेरे लिए यही है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। बिकॉज वो एक टाइम ऐसा होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, देन उसके बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि बच्चा मतलब अकेले रहना शुरू कर चुका है। तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरा लाइफस्टाइल या मेरी लिविंग में सिर्फ यही चीज़ रह गई है कि मैं स्कूल्स वगैरह भी जा नहीं रहा हूँ, देन मेरे गेमिंग्स में फ्रेंड्स हैं। बिकॉज हम लोगों के टाइम पे जब हम छोटे थे तब उस समय हमारे आसपास के लोगों को हम जानते थे, राइट? अभी सब लोग आपस में एक दूसरे को मतलब आई थिंक कि सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो शायद ही पता होगा कि सोसाइटीज़ में भी आसपास कोई है, कौन रहता है। जस्ट हमने अगर बोर्ड्स देख लिए हैं अगर जा कर के, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इस सोसाइटी के इस फ्लोर पे इस फ्लैट में ये बंदा रहता है, राइट? अदरवाइज हम कभी किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम इतना कह सकते हैं कि हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए। तो सेम चीज़ वो बच्चों के लिए भी अप्लीकेबल हो चुकी है, और वो लोग ऑनलाइन चीज़ों को ही अपना फ्रेंड और ऑनलाइन को ही अपना वो एक टाइम पास पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, या फिर ऑनलाइन फ्रेंड्स ही बोलो जिनको वो सिर्फ ऑनलाइन ही जानते हैं, तो वो उस चीज़ को ही अपना सब कुछ मान चुके हैं। तो इस चीज़ से उनको ओवरकम करना है, बाहर लेना है, या फिर उनको ये चीज़ समझानी है कि इसके अलावा भी एक दुनिया है, तो उसके लिए आपको उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एंड ये चीज़ उनको समझानी पड़ेगी। बिकॉज अभी के रिसेंट केसेस में अगर आप देखोगे तो सुसाइड्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट? और एक चीज़ मेरे व्लॉग्स में आपको थोड़ा सा नॉइज़ आएगा बैकग्राउंड से भी हो सकता है, एंड देन लोगों के बोलने का भी, बिकॉज क्योंकि मैं ऑलरेडी, अगर अब मेरा सोसाइटी का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। तो ये मेरी बालकनी से व्यू है, और अगर आप देखोगे तो मैं बाहर निकलते ही मेरी बालकनी से सीधा मेन रोड दिखता है, ठीक है? एंड वो देखो सामने वहाँ पे वो नदी है। तो ये व्यू होने की वजह से यहाँ पे आसपास में लोगों की चहल पहल ज़्यादा है, आवाज़ आती रहती है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आपको अवॉइड करना, बिकॉज कैमरा लेकर के ठीक है, बट माइक लेकर के तो नहीं सकता मैं। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मुझे भी, ओके, बट थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, ठीक है? एंड हाँ, तो हम टॉपिक पे थे, बैक टू द टॉपिक। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं चाहता था कि पर्सनली मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ। एंड सेकेंड थिंग, जितना भी मैं कर रहा हूँ या मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से, बजाय इसके कि उनको ये बताया जाए कि लाइफ में थोड़ा सा कूल बन के रहना चाहिए, बजाय इसके कि उनको ये बताया जाए कि आप बस ठीक है, ज़्यादा किसी से मिलो जुलो मत, या ऐसे करो कि नहीं नहीं आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते, उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ दो, ठीक है? बट उन पर नज़र रखिए, बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। क्योंकि अगर वो लोग फ्री नहीं रहेंगे तो वो सीखेंगे कैसे? क्योंकि अगर आप उनको इससे बांध के रखना चाहते हो तो फाइनली यही होगा कि वो लोग हेल्पलेस हो जाएंगे, एंड देन उनके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये जो चीज़ें हैं इसे ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा उनको आपको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये मेरा मानना है। एंड जो बच्चे या फिर जो टीनेजर्स अभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं,
मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो सही गलत के बीच में डिफरेंस आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को पता है, बट कहीं ना कहीं आपको और उनके बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि आप उस चीज में इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, और वो लोग एक बर्ड व्यू से देख रहे होते हैं, टॉप बर्ड व्यू, समझते हो ना, कि उनको एक सिनेरियो दिख रहा होता है कि अच्छा ये चल रहा है, ठीक है, तो वो लोग उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ अभी ये एक्शन में है, फिर इसके बाद इसका एक्शन आएगा, फिर इसका एक्शन आएगा, बिकॉज वो लोग उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी कर चुके होते हैं और वो लोग बाहर से देख रहे होते, थर्ड पार्टी पर्सन होते हैं। बट आप लोगों के केस में क्या होता है, आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको सिर्फ एक सामने वाला इंसान दिखता है, उसके अलावा तीसरे का क्या रिएक्शन है, चौथे का, जस्ट लाइक आपका गेमिंग का मैं बता देता हूँ कि सामने अगर कोई बंदा है वो जैसे पबजी वगैरह जो गेम्स हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बट आप पे भी किसी की नजर है ये आप नहीं जानते, क्यों, क्योंकि आप उसके साथ में एंगेजमेंट में ज्यादा हो, अभी आप उसके ऊपर ध्यान रख रहे हो। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दो कि पेरेंट्स ने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी हुई है, और अगर वो आपको राय दे रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको खुद रियलाइज होने लगेगा, लेकिन लेकिन उस टाइम तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो चुकी है, अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो टाइम बीत गया उसको हम सुधारे कैसे, समझ रहे हो। तो इसलिए अभी से आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि वो लोग जो भी आपके लिए बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ चीजों में कहीं ना कहीं आपके सजेशंस या डिस्कशंस में थोड़ा सा डिफर हो सकता है, ठीक है, कि लाइक उनको ये लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए और आपको लगता है कि इसमें करियर है, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स की मैं बात करूँ अगर, तो कुछ यूट्यूबर्स के करियर में ऐसा हुआ है कि उन्होंने यूट्यूब को चुना एंड देन वो निकल गया आगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो। मैं चाहता तो ये चीज स्टार्टिंग से कर सकता था, बट मैंने ये आज सेलेक्ट किया है बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे पास इतना थोड़ा सा टाइम है कि मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, एंड मैं पर्पसली ये सब चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ अगर मेरी वजह से एक कल्चर में थोड़ा सा एक अवेयरनेस आ सके, बिकॉज अभी कैसा है ना कि लोग इस चीज को समझना छोड़ चुके हैं, उनके हिसाब से ऐसा हो गया है कि ठीक है, बजाय इसके कि मतलब अगर आप कल्चरल और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अभी तक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लड़कियों को या लड़कों को कम कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लोग, बजाय इसके कि उनको मतलब अपना ट्रेडिशनल वियर पहनने में ज़्यादा अच्छा लगे। देन सेकेंड थिंग कि उनको मंदिर से ज़्यादा पब्स एंड ये सब चीज़ें पसंद है। ऑब्वियसली आप लोग करते होंगे 50-50, ये भी करते होंगे कि आप लोग मंदिर भी जाते होंगे, ये भी करते होंगे कि आप लोग पब में जाते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मंदिर नहीं ही जाते होंगे, बट कहीं ना कहीं एक कल्चरल टच होना बहुत ज़रूरी है। हम वेस्टर्न की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज की मैं अगर बात करता हूँ या कल्चर्स की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो लोग खुद हमारी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, वो हमें फॉलो करना शुरू कर चुके हैं, बट हम ये सोचते हैं कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम कूल हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि मैं आपसे शेयर करूँ मेरे पहले ब्लॉग में, एंड अब हम थोड़ी देर के बाद अपना लंच करने वाले हैं, एंड मैं आपसे फिर लंच के टाइम पे थोड़ी देर एंड देन उसके बाद मिलूँगा। मेरे बारे में जानने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़े दिन तक मेरे साथ कनेक्ट रहिए, तो आपको धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊँगा कि मैं 32 इयर्स का हूँ एंड मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, मैं अभी मेरे प्रोफेशनल करियर में क्या कर रहा हूँ। एजुकेशन वाइज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा 2010 में हो चुका था, तब से लेकर के अभी 2021 चल रहा है, तब तक मैंने जॉब्स की हैं, कहाँ कहाँ की हैं, कौन सी एमएनसीज में की हैं, मेरे करियर की ग्रोथ, मैकेनिकल इंजीनियर से मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, देन फिर उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में गया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बिजनेस कंसल्टेंट बन गया, तो ये सारी चीज़ें, फिर कैसे एक बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते मैंने खुद की कंपनीज, और मतलब बहुत सारा कुछ गुजरा जो मैं आपसे शेयर करूंगा लेटर, तो ब्लॉग्स में बने रहिए। सो अभी टाइम हो रहा है 3:00 और
मैं कर रहा हूँ अपना लंच, थोड़ा सा लेट है बट चीज़ें करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और आज का खाना है पनीर भुर्जी और रोटी। तो वक्त तो चला है शाम की चाय का, चाय लेते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूँ आराम से। तो मैं पहले बाहर आ गया हूँ, आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, घूम के दिखाता हूँ। बाहर की वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना, बिकॉज ये देखो ये रोड दिख रहा है, ये रोड जब बालकनी के सामने है तो सोसाइटी का ऐसे ही है, रोड पे मतलब ज़्यादा अंदर नहीं है, जस्ट रोड से आप सीधा एंटर हो सकते हो। और पहली विंग में हमारा फ्लैट है तो भाई रोड पे ही हो गया एक तरीके से, कभी कभी तो ऐसा फील भी आता है कि यार रोड पे तो नहीं रहता ना। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे लंच के बाद मिलूंगा, बट कुछ काम की वजह से मैं अटक गया एंड आपसे बात नहीं कर पाया। तो बेसिकली मैं अभी इस टाइम पे क्या करता हूँ मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं डेली शाम को ये टाइम रहता है मेरा कि मैं चाय पीते हुए या फिर आराम से थोड़ा बहुत अपना चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत वॉक करते हुए फिर घर वालों से बात कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में नहीं रहते हैं, तो घर वालों से बात कर लेता हूँ। एंड देन डेली करता हूँ, तो ऑलमोस्ट दिन भर का जो कुछ भी होता रहता है उनके पास मेरे पास, तो हम आपस में बांट लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, डेली बातचीत भी हो जाती है हमारी। एंड एक जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था दोपहर में, अभी भी यही बोलूँगा कि जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ इसको ध्यान दें कि अपने बच्चों से जितना कनेक्ट होकर रह सके उतना अच्छा है आपके लिए, और फ्रेंडली कनेक्शन रखना, ऐसा नहीं कि लाइक डरा दिया और चमका के रख रहे, डरा के रख रहे, इस टाइप से, बिकॉज उनका भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बन जाता है थोड़े टाइम के बाद कि यार पेरेंट्स तो हमें हमेशा ही दबाते रहते हैं, हमारी चीज़ नहीं करने देते, और उसमें फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, समझ रहे हो। शूट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट हो पाऊँ, आप लोगों से ज़्यादा बातें कर पाऊँ, बिकॉज मैं दिन भर अकेला रहता हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मैं ऐसे लोगों से क्यों नहीं कनेक्ट हो पाता हूँ, या लोग मुझे क्यों नहीं जानते, या मैं क्यों नहीं उनसे बात कर पाता हूँ, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, बिकॉज दिन भर घर पे और काम में रहने की वजह से फिर वो हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज अभी शेड्यूल ऐसे हो गया है सबके कि सबका वर्क फ्रॉम होम है ऑलमोस्ट सब, कुछ लोग फैमिली के पास चले गए, कुछ लोग नहीं जा पाए जैसे कि मैं, तो हम लोगों के लिए वही सिचुएशन है कि अकेले रहो, अकेले करो एंड अकेले चीज़ें देखते रहो, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि काश कोई होता बात कर लेता ये सब चीज़ें। एंड सेकेंड रीज़न ये ब्लॉग करने का कि मैं जो भी कर रहा हूँ या मेरी जो भी थिंकिंग है मैं आप लोगों तक पॉजिटिवली कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे समझ में। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि मैं आप लोगों का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लोगों से चाहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करूँ, बात करूँ, उनको एक्सप्लेन करूँ, चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, बट कहीं ना कहीं या तो वो लोग मुझे अंडरस्टिमेट कर देते हैं, या तो मैं सोचता हूँ कि करेक्ट नहीं है इससे ये चीज़ ओपनली बोलना, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी एक ऑडियंस बना पाया तो उन लोगों से मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगा, एंड मेरे घर वालों के साथ साथ आप लोग भी समझ पाओ, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में चल रही हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम आप मेरे साथ रहोगे तो आपको समझ में आएगा, और मैं स्टार्टिंग में ये सब बता करके भी सिंपैथी गेन करने वाला काम नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें अगर अच्छी लगेंगी तो ही आप लोग मुझसे कनेक्ट होगे, ये आप पे भी है, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं इस चीज़ के लिए आपको फोर्स करूँ, तो ये सिचुएशन है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो इसके बाद मैं थोड़ी देर अपना थोड़ा पीसी पे रिलैक्सेशन के लिए गेम वगैरह खेलूँगा, देन उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है वो कंप्लीट करूँगा, साथ में आपका ये ब्लॉग एडिट करूँगा, शाम का टाइम मेरे को थोड़ा सा फ्री मिला इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया आपसे बात करना, एंड रात को फिर मैं डिनर वगैरह करने के बाद ये सब काम करूँगा, फिर लेट नाइट कहीं अपलोड होगा ये, और ये फिर आप लोग कल देख पाओगे। अभी टाइम हो चुका है रात के 9, और मैं ये सब पहन के इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर के बाद गेम खेलने वाला हूँ, तो अभी मैं डिनर कर रहा हूँ हाल फिलहाल, और डिनर में मैं अभी खा रहा हूँ फुली
मीन्स दलिया, कहीं पे दलिया बोलते हैं कहीं पे थूली बोलते हैं, तो जस्ट लाइक वो खिचड़ी जैसा बनाया और जबरदस्त, मतलब टेस्ट वाइज मुझे अच्छा लगता है तो मैं खा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो आप, वीडियो एडिट हो रही है अभी, एंड अभी थोड़ी देर में गेम खेलूँगा, उसके बाद फिर 11 बजे तक मैं फिर से इसको बाकी का एडिट करने बैठूंगा एंड ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप कल मॉर्निंग में इसको देखना। हम मिलते हैं बाद में, अभी मैं हाल फिलहाल डिनर कर लेता हूँ, चलो बाय बाय। तो टाइम हो रहा है रात के 1:30 बज रहे हैं अभी और ऑलमोस्ट ब्लॉग ख़त्म हो चुका है, एंड ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तब रात के 1:30 बजे के बाद मैंने इसको एडिट कंप्लीट करके एंड देन आई थिंक शायद ये 2:30 बजे तक ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका होगा। चलो बची हुई एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ मैं। ब्लॉग्स बनाना मतलब जितना इजी है उतना ही टफ है उसको भैया, एडिट करते रहना, एडिट करके अंदर उसको एडिट करने के बाद फिर उसको अपलोड करना, लाइक मैं जितना इजी समझ रहा था उतना इजी एक्चुअली है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रेगुलर करूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ, एंड बिल्कुल मैं रेगुलर रहूँगा। एंड अभी हाल फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और हम मिलते हैं कल, बाय।